नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस सेवा दल की बैठक में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना, कहा केंद्र दे रहा है प्रदेश को भरपूर मदद जबकि प्रदेश सरकार जुटी है दुष्प्रचार में। चप्पा चप्पा कार्यक्रम के तहत कालाम पहुंचे प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, बोले भाजपा सरकार ने किया प्रदेश का चौतरफा विकास। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों को लेकर प्रदेश के कॉलेजों में बड़ी गतिविधियां। 23 अगस्त को होने जा रहे हैं चुनाव के लिए छात्र संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत आते गांव केलन के लिए बरसात का मौसम बनता है मुसीबत। पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं स्कूली बच्चे। मुख्यमंत्री ने जल्द पुल बनवाने का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की यूपीए सरकार प्रदेश की भरपूर मदद कर रही है लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार केंद्र के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटी हुई है। कौल सिंह ठाकुर जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत चौतरा में कांग्रेस सेवा दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र सरकार की ही देन है। उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के टिप्स भी दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की यूपीए सरकार प्रदेश की भरपूर मदद कर रही है। इस समय प्रदेश में जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र की ही देन है लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार केंद्र के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटी हुई है। कौल सिंह ठाकुर जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत चौतरा में कांग्रेस सेवा दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो प्रदेश के लिए बजट आवंटन में भेदभाव होता था लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को 3700 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा था जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दुष्प्रचार हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमने तो विकास की गंगा बहा दी है, हमने फलाना कर दिया है, हमने वो कर दिया है। पता नहीं दुनिया भर के लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र की यूपीए सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा धूमल साहब आप बताइए जितना बजट आपने साल में केंद्र सरकार को योजना आयोग को भेजा क्या आपका एक नया पैसा भी कटा? जितना आपने मांगा उतना केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी। इस साल 3700 करोड़ रुपए का आपने बजट बना करके भेजा नोट बजट, 3700 करोड़ पर मोहर लगा दी, एक नया पैसा नहीं काटा, फिर भेदभाव किस बात का है? सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश का चौतरफा विकास किया है। नाहन के कालाम में चप्पा चप्पा भाजपा कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए बिंदल ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश में महंगाई बढ़ी है। बिंदल ने केंद्र पर हिमाचल से भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल चप्पा चप्पा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वीरवार को काला अंब पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर वर्गों के हितों का ध्यान रखा है। सरकार ने अपने कार्यकाल में मजदूरों की दिहाड़ी में दुगनी बढ़ोतरी की है और पेंशन भोगियों सहित दूसरे वर्गों को लाभ पहुंचाया है। बिंदल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में देश में महंगाई बढ़ी है और इससे आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने केंद्र पर प्रदेश के साथ भेदभाव करने के भी आरोप लगाए। गरीब की चिंता अगर किसी ने की है तो प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने की है। एक मजदूर जिसको पिछली सरकार में 75 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, अब 75 रुपए दिहाड़ी के अंदर चाय नहीं चलती, परिवार का खाना कहाँ से चलेगा? धूमल की सरकार ने 75 रुपए की 150 रुपए की दुगनी दिहाड़ी की है। आप आमदनी जितनी मर्जी बढ़ाओ, आप आमदनी बढ़ाओ 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, जिस दिन आपकी आमदनी बढ़ती है उस दिन दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की कांग्रेस की सरकार महंगाई बढ़ा देती है। गौर हो कि भाजपा ने इन दिनों प्रदेश में चप्पा चप्पा कार्यक्रम छेड़ रखा है। इसके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार आगामी चुनावों को देखकर लोक लुभावने वायदे कर रही है। धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बाली ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार बिना बजट के ही घोषणाएं कर रही है। बाली ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा सरकार को नकार दिया है और आगामी चुनावों में उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। चुनावों के लिए पार्टी के टिकट आवंटन के बारे में उन्होंने कहा कि टिकट केवल उन लोगों को ही मिलेगा जिनमें की जीतने की क्षमता हो और पार्टी के प्रति वफादार हो। देखिए, हमारा कहना ये है कि सरकार ऐसे डिसीजन कर रही है जो कि आज मॉरली इनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सरकार एक तरह से तारीख तय हो चुकी है, महीना तय हो चुका है, इलेक्शन आ चुके हैं, इलेक्शन सिर के ऊपर है और ये दर दर ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। अब जैसे मनरेगा में ये कर नहीं सकते, या तो ये बोले कि इन्होंने अप्रूवल ले ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का बयान ये कि हम सरकार को दिल्ली को लिखेंगे, दिल्ली वाले परमिशन नहीं देंगे तो बढ़ाएंगे नहीं। मगर लोगों को ऐसा इंप्रेशन देने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे इन्होंने 130 से 150 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी कर दी है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। वादे बिल्कुल हमने वादे कर रही है मगर इसका कोई असर नहीं होने वाला, ये तय है कि ये जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आ रही है। स्वास्थ्य महकमे का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा पहली बार वीरवार को आईजीएमसी पहुंचे। बरागटा ने यहां मरीजों की समस्याएं सुनी और विभिन्न वार्डों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों के साथ भी विचार विमर्श किया। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि सरकार अस्पताल आने वाले मरीजों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगी। यहां आने वाले लोगों के ठहरने की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए यहां एक और वेटिंग रूम बनाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए जगह तलाश करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बरागटा ने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि सारे हमारे प्रदेश के लोग स्वस्थ रहे, लेकिन आज मैं सबसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। आपने जैसे देखा, मैं सब मरीजों से मिल रहा हूँ, उनके अटेंडेंट से मिला हूँ, यहाँ की समस्याओं को रूबरू भी हुआ हूँ, मुझे कुछ बातें ध्यान में आई हैं। लेकिन अभी मैं इंटरेक्शन करूँगा सबसे कंसर्न लोगों से, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं और जो बाकी यहाँ पर यूनियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे। उस इंटरेक्शन के बाद हम विल टेक सम मोर डिसीजंस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संयोजक राधा रमन शास्त्री शिमला विधानसभा हलके से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी प्रदेश में अपने दम पर 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए राधा रमन शास्त्री ने यह ऐलान किया कि उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी ताकि प्रदेश के लोगों को स्वच्छ प्रशासन प्रदान किया जा सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस समय कांग्रेस व भाजपा के कई आला नेता पार्टी के संपर्क में हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए एनसीपी के प्रदेश संयोजक राधा रमन शास्त्री ने कहा कि पार्टी के निर्णय पर वे शिमला से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी इन चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार राजनीतिक बदलाव होगा और उनकी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने पूर्व कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां प्रदेश में पर्यटन, कृषि, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में नाकाम रही है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं आगामी विधानसभा के लिए, नवंबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह या 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, मैं उसमें इतना एक सा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने एनसीपी ने आगामी विधानसभा के लिए खूब तैयारियां की है। बिना शोर शराबे के गांव में गए हैं, लोगों से संपर्क किया है और हम आने वाले समय में 25 से 40 सीटों के करीब हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। आगामी चुनाव में कि कृषि क्षेत्र को इस देश के अंदर सशक्त किया जाए और कृषि भूमि को जो है अन्य कार्यों के लिए उपयोग में न लाया जाए। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा है कि सराज क्षेत्र में इस समय जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वे सभी केंद्र सरकार की ही देन हैं। प्रदेश सरकार उन्हें अपना बताकर वाह वाही लूटने का प्रयास कर रही है। पूर्णचंद ठाकुर जंजहली में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर इस बरसात के मौसम में भी आधी अधूरी सड़कों के उद्घाटन कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वे सभी केंद्र सरकार की देन हैं। भाजपा सरकार उन्हें अपना बताकर बाबा ही लूटने का प्रयास कर रही है। जंजैहली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर आधी अधूरी सड़कों के उद्घाटन कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी जताई है। उनका प्रयास रहेगा कि इनमें जिसको भी टिकट मिलेगा सभी चुनाव में उसे जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इनके मंत्रीगण और इनके नेतागण जो केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं उनकी नीतियों का श्रेय उन नीतियों को अपनी बता करके जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे आज मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ठाकुर जयराम जी, या जहाँ भी आज बरसात के मौसमों में बसों का उद्घाटन सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आनन फानन में बसों के आजकल बरसात के दिनों में उद्घाटन करने की इनको क्या आवश्यकता पड़ी। खेमराज कौशल, जंजैहली, 7C हिमाचल आजकल। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों को लेकर प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में माहौल गर्मा गया है। 23 अगस्त को होने वाले इन चुनावों के लिए छात्र संगठनों ने अपने पैनल उतारने शुरू कर दिए हैं। छात्र राजनीति के गढ़ माने जाने वाले प्रदेश विश्वविद्यालय में इन चुनावों को लेकर छात्र संगठनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ चुनावों के लिए ABVP ने अपना पैनल उतारने में बाजी मार ली है। SFI और NSUI ने शुक्रवार तक पैनल उतारने की संभावना रखी है। वहीं इन चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए छात्र संगठनों ने छात्रों से संपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। प्रदेश विश्वविद्यालय और प्रदेश के कॉलेजों में SCA चुनावों के लिए माहौल गर्मा गया है। इन चुनावों के लिए छात्र संगठनों ने अपने पैनल उतारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय में ABVP ने वीरवार को अपना पैनल उतार दिया। ABVP ने प्रधान पद पर दिनेश ठाकुर को, उप प्रधान पद पर पारुल शुक्ला, महासचिव पद पर तरुण ठाकुर और संयुक्त सचिव पद पर नरेश को उतारा है। यहां SFI व NSUI द्वारा शुक्रवार को अपना पैनल उतारने की संभावना है। ABVP के राज्य सचिव अजय भेटा ने कहा कि मौजूदा SFI समर्थित पर SCA पर छात्र समस्याओं को हल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस महाविद्यालय के अंदर इस वर्ष अगर पूरा पैनल आता है तो इस महाविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कॉलेज में जो सबसे पहला काम करेगी वो मार्कशीट पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ले आएगी। फिर इस महाविद्यालय में जो छात्रों की समस्याएं हैं या दूसरी कोई कॉलेज की समस्याएं हैं उनका समाधान करके इस कॉलेज को वास्तविक रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करेगी। उधर राजधानी के कॉलेजों में भी चुनावी पारा चढ़ गया है। इन कॉलेजों में छात्र संगठन अपने पैनल उतार रहे हैं। एक्सीलेंस कॉलेज संजोली में वीरवार को NSUI और ABVP ने अपने पैनल उतारे। दोनों छात्र संगठनों के उम्मीदवारों ने छात्र समस्याओं को हल करने का वायदा किया। SFI यहां पहले ही अपना पैनल उतार कर चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। यहां पर संजोली कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिखे नहीं आता है मार्कशीट में, उसे पूरा करना है। बाकी गर्ल्स हॉस्टल है, बाकी और भी बहुत सी मांगे है संजोली कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, BA BCA ब्लॉक है, बाकी प्रोजेक्टर्स लगाने हैं जो साइंस क्लासेस और कॉमर्स क्लासेस में है। इन मांग को लेकर रहनी चाहिए अपनी जो चुनावी रणनीति है उनको लेकर आगे कार्य करेंगे। SCA चुनाव प्रदेश विश्वविद्यालय सहित करीब 98 कॉलेजों में चुनाव 23 अगस्त को होने हैं। इन चुनावों में मुख्य तौर पर ABVP, NSUI और SFI के बीच ही मुकाबला होगा। ब्यूरो 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।